ना मेरी सास दो नंबर तंदा कर देने ओ ते मैं उथे तंदा नहीं कर सकती, मैं माड़ी औरत हां, मेरे छोटियां छोटियां बच्चियां ने केड़ा हुआ। अभी मैं यहां पे गवाह भी मेरे खड़े हुए, ये जख्म इसने दिए आज सुबह दिए, झूठ मार रही है ये। इसका हल ये है, मुझे मैंने इसको डिवोर्स, ये मुझे दे दे, मैं उसको दे देती, बस ये मुझे छोड़ दे। फिर क्या करोगी? मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी। ये कहता है जब भी कोई भी लड़का आ जाए ना तो कहता 500 रुपया ले ले इसके साथ चले। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजन सिर और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन मैं इस टाइम फुटपाथ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक बहन मौजूद है, तीन बच्चों समेत ये पिछले कई महीनों से फुटपाथ पर रह रही है। आखिर ये अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं घर में जाती? हर औरत की ख्वाहिश होती मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो, मेरी अच्छी लाइफ हो, लेकिन ये बदकिस्मत अपने बच्चों को लेके इनका भी मुस्तकबिल ख़राब करी, बच्चों की ज़िंदगी पे क्या बीत रही आप देख सकते हैं, इनका असर क्या हुआ हुआ है। आप सोचिए मेरे और आपके ऊपर कभी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसका हस्बैंड जिम्मेदार है, क्या माशरा जिम्मेदार है, या ये खुद जिम्मेदार है इन सारी बातों की? आइए जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आपका मेरा इखलाकी फ़र्ज बनता है कैसे लोगों की मदद की जाए, ऐसे सफेद पोशों को बना दी जाए, उनको घर लेके दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। मेरे साथ रहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तू अपने घर क्यों नहीं जाते? मैंने सच्ची गल दस, की लड़ाई है तेरे शोर नाल? मेरा जरा मियाँ ना ये नशा करता है, नशा नहीं छड़ सकता तो घर भी नहीं, वो घर वाले भी कहते हैं भी नशा छड़ दे। मेरे माँ प्यो जेड़े इन्हें माँ प्यो ने ना वो कहते हैं भी नशा भी कर, साढ़े को पैसे भी लै तो तू नशा चंगा कर तो बुटी न छड़ दे। मैं कहा तू मैनू छड़ दे, वो बच्चे भी नहीं संभाल सकती ना मेरी सास दो नंबर तंदा कर देने वो तो मैं उसे तंदा नहीं कर सकती, मैं माड़ी औरत हूं, मेरे छोटियां छोटियां बच्चियां ने। अगर बेटा मेरी बात सुनो, आपने पसंद की शादी की है? नहीं, लापसंद। किसने करवाई है? माँ बाप ने। माँ बाप ने? ये आपके बाप का जिक्र कर रहा है, क्या हुआ है? झूठ बोल रहा है, मेरे बाप को कुछ नहीं हुआ, उसको टाइक हुआ तो मेरा अबू फौत हो गया, मेरा भाई भी फौत हो गया, उसके बाद बहन फौत। अच्छा, बाप की क्या लड़ाई है और सुलह कैसे हो सकती है, आप घर में कैसे? मुझे ये डिवोर्स दे दे, मुझे ये छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को लेके खुद पाल लूंगी। एक औरत है, अगर पांच अफराद हैं घर पे, पांच अफरादों ने मिक्स हो के अपने जिसका वो खून है उन्होंने अपने खून को मार दिया, इसके अलावा यार वो सारी एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं इसके ऊपर मैं बताता हूं, बाप भी है, मैं अपने बाप के साथ झगड़ा किया, इतना किया, इतना किया कि छोड़ो बात को, बकायदा बाप को मारने की मेरी तौबा मैं सोचा भी नहीं, अगर हुआ झगड़ा हुआ मैंने घर छोड़ के यहाँ पे आया, यहाँ मैं क्यों रह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों इस मुआशरे का इस वजह से पता है कि मैं यहाँ पे आता जाता रहा था, ठीक है, इसी वजह से घर पे जब झगड़ा होता था बाप को मारने की वजह से मैं यहाँ पे आ जाता था कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। ये औरत जैसे मर्जी कर ले, जो मर्जी रो ले, हंस ले, जो मर्जी कर ले, मान ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल शहजाद है। फैसल भाई एक मिनट मेरी बात सुने, सवाल के जवाब दे, मुझे ये बताएं घर वालों ने बड़ों ने शादी की, तीन बच्चे पैदा किए, शादी की है, इसकी जुबान की वजह से छोड़ के चले गए, ठीक है, उन्होंने कहा ये तुम्हारी है तुम इसको संभालो, ये सांप है, सांपों को तुम पाल सकते हो हम नहीं पाल सकते। तो पहले घर वालों को नहीं पता, घर वालों को नहीं, 15 दिन में शादी हुई है, इसके बाप ने जब फोन किया था ना चुंगी अमर सिद्धू हुजरे शाह मकीम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ पे आने का 2.5 घंटे का सफर है, चुंगी पे आके मेरे फुफ्फड़ को फोन किया मेरी बेटी का रिश्ता लेना है, तब भी इसने नाक डोप बुरा किया। रिश्तेदार है? रिश्तेदार मेरे ताई की बेटी, इसके सके भाई ने, बड़े भाई ने खुद कहा मैं हमारा नाक इसने दो बार गिराया। अच्छा, इसके सके भाई ने कहा सारी बातें छोड़ देना, मुझे छोड़ दे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा, इसका हल ये है, मुझे मैंने इसको डिवोर्स, ये मुझे दे दे, मैं उसको दे देती, बस ये मुझे छोड़ दे। फिर क्या करोगी? मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी। तो देखो फैसल बच्चों का क्या, मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों का क्या, उसको पता जो मुझे भाई कह रही है, नहीं आप बताए ना इन मसूलों का क्या, पाल रहा हूँ, मांग के ला रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, मांग के खुद लोगों के आगे हाथ फैलाता हूँ, इसका काम नहीं बनता कि मैं कुछ कर लूँ थोड़ा सा, या कहीं फूल लगा लूँ, या कोई काम कर लूँ, चिड़िया अम्मा के पास से लगा लूँ, कोई काम नहीं, इसने पहले चिड़िया लगाई है, अब कहती है मैं कुछ नहीं करना, तू नहीं करना, जो भी करना मांगोगे तुम करो। देखो एक मिनट, आप जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते? मर्दों का मैं कर रहा हूँ ना, मैं भाग रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बकायदा ये इसकी जुबान की वजह से मैं नहीं कर रहा, मकान लिया था, साथ वाले हमसाये कहते थे रात के 12 बज गया तुम अभी झगड़ा छोड़ दो,
झगड़ा छोड़ दो, सुबह लड़ लेना। तो ये मारा किसने? इसने। क्यों? इसने कहा है मुझे रोटी ला के दो, एक घंटा लेट हुआ, उसने झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों भाई तुमने अपने शोहर को मारा है? सच्ची बात बतानी है आपने मुझे। मैं ये इसने कल लड़ाई की है, इधर बंदा एक बैठा था उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, तो कल इसने उसको मारा है, इसने उसको मारा है। वो मजदूर था, मैंने बच्चे रखे ना, क्या रखे बच्चे रखे ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये जख्म जो है, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट, कल ऐसे पाई लग गया किसी, ये जख्म जो है किसकी वजह से? ये खुद इसने मारे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आप मेरी बहनों की तरह हो, सिर्फ मुझे ये बताओ कि सारे मसलों का हल क्या, बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? भाई ये नहीं कुछ कर सकता, तो यहाँ कैसे रात गुजारती हो, नन्हे बच्चों के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? भाई जब साथ मेरा झगड़ा हुआ है, अभी मैं यहाँ पे गवाह भी मेरे खड़े हुए, ये जख्म इसने दिए, आज सुबह दिए, झूठ मार रही है ये। अच्छा इसका हमने इसमें झूठ बोला कि मैंने नहीं, ये किसी के साथ इसने झगड़ा किया। इसका हाल क्या? इसका हाल ये है, इसने मुझे 3 बार भाई कह दिया, मैं इसको छोड़ जान छोड़ता हूँ, नहीं देखो हाथ छोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, जान छोड़। देख लो ये जो तुम्हें कह रहा है, क्या तुम्हें मंजूर है बच्चों को कैसे पालना? मंजूर है, मैं पहले भी बच्चों को पालती रही हूँ। कासिम 10, आप बच्चे से पूछ। चल बताओ बेटा, ये देखिए कुत्ता है, ये क्या कुत्ता मारता जी? कौन लाके देता? नहीं। काम करता? नहीं। काम नहीं करता, पैसे नहीं लाके देता मामा को? रोटी कहाँ से खाती हो? अच्छा मेरी बात सुनो, ये बच्चे भी आपके जेरे साया पल रहे हैं, ये क्या सीखेंगे, क्या माशरे को हम पैगाम देंगे? अब बताओ क्या करना है, आपका हल क्या है बताओ? बस इसका हल ये है, जो नशेई बंदे होते हैं ना उनको मारा जाए, उनको इधर छोड़ा ही ना जाए। अब आप रोए ना, मुझे बताए ना हल। अब आपको अगर हम घर ले देते, हम इनको आपको आपके बच्चों को अच्छी तरीम और तरबियत ले करवाते, क्या कर लेंगे बच्चों को पेट पालने? हाँ जी। सिलाई का काम सिखा दे? हाँ जी। तो फिर आप इसको छोड़ देंगे? नहीं। हाँ देंगे, पक्की बात है? पक्की बात। ये इल्जाम लगा रहा है कि तुम यहाँ पर 2 नंबर धंधा करती हो, नशा करती हो, तुम्हारा मर्दों के साथ तल्लक है? हाँ जी, अगर बंदा ही ऐसा होना चाहिए फिर मर्दों को खुद ही क्या कहे, क्या लोगों को कहते ले जाओ इसको, मैं नहीं ऐसे कर सकता। इसने कहा है? हाँ। किसको कहा था? ये लोगों को कहता है, जो भी इधर आया उसको कहता है। क्या कहता था? ले जाओ मेरी बीवी को ले जाओ साथ। कहाँ ले जाओ? ये कहता है जब भी कोई भी लड़का आ जाए ना तो कहता 500 रुपया ले ले, इसके साथ चली जा। मेरी बात सुने, फाइनल बताएं कि अब तुमने नहीं इसको रखना? नहीं, मैंने नहीं रखना, इसके साथ नहीं रहना, मैं खुद चली जाऊंगी। नाज़रीन मुझे ये बताएं, माँ बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये बेटी आज 3 बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठ गया है, क्या माँ बाप को पहले नहीं पता था ये बदजुबान है? 3 बच्चे पैदा हो गए तब होश आया, क्या इसके शोहर को नहीं पता था कि इनका क्या किरदार है? अब इनकी बड़ों की लड़ाई है, इनको फुटपाथ पर ले आई और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होकर रह गया, और ये औरत अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाए? फैसला आपने करना है, हमारे से तो जो हो सकेगा इंशाल्लाह हम वो करेंगे।